वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए वन विभाग के जवान सिपाहियों को याद करते हुए देश भर में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर इंदौर वन मंडल के अंतर्गत आने वाले राला मंडल अभ्यारण्य में रविवार को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर DFO नरेंद्र पंडवा ने राला मंडल अभ्यारण्य में पौधारोपित कर शहीद हुए वन कर्मियों को याद किया। इसके साथ ही DFO द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को जंगलों की सुरक्षा करने को लेकर हमेशा तत्पर रहने की बात भी कही गई। जो आज का दिन है वो हम लोगों को प्रेरणा देता है कि हम जो हमारे पास वन धन है, सबसे बड़ा धन है ये, कहीं पे और नहीं मिलेगा, किसी भी और प्लानेट पे जाओगे तो नहीं मिलेगा। धरती पे सबसे विशिष्ट जो चीज़ है यहाँ का, क्या बोलते हैं उसको, वायुमंडल, और ये हमारे पेड़ पौधे, इसने पूरा सर्कल बना के रखा है। और इस पूरे कहेंगे पूरे धरती की सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है वो हम लोगों को दी हुई है, वनों के संरक्षण की, ठीक है। तो हमसे हर लोग जुड़े हुए हैं, हर चीज़ का अस्तित्व वनों से और पर्यावरण से जुड़ा है। इसी चीज़ को हमें देखना होगा, समझना होगा कि इसको हम कितने अच्छे से रक्षा कर पाते हैं। कई लोगों ने इसकी रक्षा में, वनों की, वन्य प्राणियों की रक्षा में अपने प्राण तक दे दिए। पौधारोपण क्यों किया गया और उद्देश्य क्या? देखिए, आज 11 सितंबर है, आज का जो दिन है वो वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज का दिन हम सब लोगों को वनों के संरक्षण में हमारे प्रयासों को और अच्छा बढ़ाने के लिए, उसमें और गुणवत्ता लाने के लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए कि भाई इन वनों के संरक्षण में कई लोगों ने अपने प्राण दे दिए हैं, अपनी जान की बाजी लगा दी है। उसी से हमारे स्टाफ भी प्रेरित होता है, लोगों के अंदर भी एक जागृति लाने के लिए दिन मनाया जाता है। सर, कि आज आपने एक संकल्प भी दिला है अपने साथियों को, किस तरह का संकल्प है सर? संकल्प कोई विशेष नहीं है, जस्ट उनकी ड्यूटी को हम कह रहे हैं कि आप हमें ड्यूटी में और जो फाइननेस लाना है, और कैसे हम अपने वनों के संरक्षण में और क्या बेहतर प्रयास कर सकते हैं, कैसे हम वनों के इम्प्रूवमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं, इसी को उनको बेहतर करने के लिए हमने बताया है। और उन्हें याद दिलाया है कि ये जो विशिष्ट चीज़ है वन, वो केवल हमारी धरती पर ही है, इसको हम सभी का अस्तित्व इससे जुड़ा हुआ है। अगर हमने और किसी ने भी इनको क्षति पहुंचाई तो क्षति सबको है।